करण जौहर का पॉपुलर शो कॉफी विद करण का 8वां सीजन काफी कमाल कर रहा है। दर्शकों को इस शो के अगले एपिसोड का बेसब्री से इंतजार रहता है। अब तक शो में कई जोड़ियों ने आकर कई शानदार किस्से शेयर किए हैं जो लोगों को काफी पसंद भी आते हैं। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सीज भी देखने को मिल जाती है, लेकिन एंटरटेनमेंट भरपूर मिलता है। शो के अगले एपिसोड में दो ऐसे स्टार्स आने वाले हैं जिन्हें दर्शक काफी पसंद करते हैं। यह दोनों ही स्टार्स पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ पर खुलकर बातचीत करेंगे। हम जिन दो स्टार्स की बात कर रहे हैं उनका नाम विकी कौशल और कियारा आडवाणी है। फिल्म गोविंदा मेरा नाम में साथ में काम कर चुके कियारा और विकी अब शो में अपनी केमिस्ट्री से फैंस को एंटरटेन करने वाले हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ने गुरुवार को शूटिंग की है। दोनों ने सेट पर बहुत मस्ती की और ये शो काफी एंटरटेनिंग होने वाला है। आपको बता दें कि जहां एक और विकी कौशल की फिल्म सैम बहादुर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विकी कौशल की वाइफ कैटरीना की फिल्म टाइगर 3 भी सिनेमा घरों में धमाल मचा रही है। अब देखना ये होगा कि विकी कौशल और कियारा आडवाणी की जोड़ी कौन कौन से एक्साइटिंग सरप्राइजेस का खुलासा करती है। बता दें कि अब तक इस शो के 4 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं और चारों के चारों एपिसोड सुपर डुपर हिट्स साबित हुए। इन चारों एपिसोड्स ने दर्शकों को बम्पर एंटरटेन किया है। सबसे पहले इस एपिसोड में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आए थे। इस शो में दीपिका ने रणवीर के साथ रिलेशनशिप पर ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद वह काफी ट्रोल हुई। इसके बाद सनी और बॉबी देओल वाले एपिसोड में दोनों भाई ने पर्सनल लाइफ पर खुलकर बातचीत की। आलिया भट्ट और करीना कपूर इसके बाद बतौर गेस्ट बनकर आई और दोनों ने अपने अपने पति और बच्चों को लेकर बातचीत की। इसके अलावा करीना ने करण को उनके ही शो में ट्रोल कर दिया।